हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो जेई और नीट के एग्जाम में अपने जब फिजिक्स के डेरिवेशन आते हैं उनमें यूज आते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने में भी इजी रहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशियल, तो आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो, इसमें डिफरेंशियल पढ़ाया है मैंने, है ना। तो देखो, फर्स्ट अगर अपने को एक्स का कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी दे रखा है, तो अपन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे कि उसकी पावर को जो दे रखी है उसको +1 कर देंगे और जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे +1 करके। परंतु एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/x होगा तो उसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे log ex +c, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, अगर इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की अगर एक्स स्क्वायर dx इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है, देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर क्या करना, n+1, तो n की वैल्यू यहाँ क्या है, 2। तो एक्स 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट c। ठीक, इसको आगे क्या कर देंगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3+c, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यही इस तरीके से कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे यहाँ पर अपन एक फ्रैक्शनल नंबर भी ले लेते हैं, चाहे देखो एक्स, ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर अगर अपन 3/2 लेते हैं और dx इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, एक्स की पावर 3/2+1 अपॉन 3/2 प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 5/2 अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 5/2+c। तो ऐसे अपन इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। जैसे अपने पास अपॉन में दे रखा हो एक्स की पावर, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक्स की पावर माइनस अपॉन में दे रखा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा हाफ dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स की पावर -1/2+1 अपॉन -1/2+1+c इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, -1/2 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर +1/2 और जब क्या देगा, +1/2+c। ठीक है, तो ये ऐसे अपन इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे जो एक्स के फंक्शन के आएंगे। ठीक है, और जैसे ये एक्स की पावर -1/2 का मतलब क्या है कि 1/√x का अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होगा, √x/2 होगा, ये 2 क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो ये वैसे कर लेंगे। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक एग्जांपल देखो ये वो कर लेते हैं। अगर अपने पास x²+x^2 ये दे रखा हो क्वेश्चन, ठीक है, अब इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है तो अपन क्या करेंगे, इक्वल टू x²² है तो क्या हो जाएगा, 2+1 अपॉन में क्या देगा, 2+1 प्लस x²² है तो उसका क्या हो जाएगा, x²+1 अपॉन 1/2+1 और ये टोटल प्लस ही आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अपन सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस x²³ अपॉन में क्या आ जाएगा, 3/2। इस 2 को चाहे अब अपन क्या ले लेंगे, ऊपर कर देंगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, x³/3 प्लस क्या आ जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2+c।
ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऐसे सोल्व कर लेंगे, कोई भी फंक्शन आ जाए अपन उसको इसी मेथड से सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पे देखो, अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। जैसे साइन एक्स है, ये क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का अपना इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये कॉन्स्टेंट सी इसलिए आता है अगर अपन इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं लगा रखे, जैसे इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दे 1 से 2, तो कोई एक क्वेश्चन वैसा भी कर लेते हैं जैसे यहाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि लिमिट दे रखी हो अपने को 0 से 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है, और इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना लिमिट वाला होगा, उसमें क्या नहीं आएगा, कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। तो देखो क्या, एक बार तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, लिमिट 0 से 1। ठीक, अब एक बार 1 को पुट करेंगे लिमिट में, तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और लिमिट को रखते हैं कैसे, माइनस रख के। अभी आगे नेक्स्ट फॉर्मूले में दिखाएंगे, माइनस तो ये 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आंसर। तो मतलब जहाँ लिमिट दे रखी होगी वहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब साइन एक्स का जो इंट्रीगेशन है उसका क्या होता है, साइन एक्स का तो को माइनस कोस एक्स होता है, और कोस का प्लस साइन एक्स होता है, जबकि डिफरेंशियल में होता है तो उसमें क्या होता है, साइन एक्स का तो प्लस कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये इंट्रीगेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये तो हो गए, इन पे जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये अगर अपने पास ये आ जाए कि साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स है ना, अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो साइन स्क्वेयर एक्स अब डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, यहाँ पर कुछ लोग फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, पर यहाँ पर एक साइन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है कि 1 माइनस कॉस क्या होता है, ये कॉस 2x हो जाएगा अपॉन 2 dx, ये फॉर्मूला होता है ना, 1 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स, मतलब जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। तो स्क्वेयर में तो अपने पास क्या दे रखा है, साइन स्क्वेयर दे रखा है, तो अपन क्या कर देंगे, ये 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ से दोनों को दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 dx माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे, और क्या आ जाएगा, cos 2x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इक्वल टू हाफ तो हाफ रह जाएगा, और dx का 1 का क्या हो जाएगा x, ठीक, माइनस हाफ, या cos 2x का क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा sin 2x। ठीक है, अब 2x, इसमें 2x 2 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 क्या आ जाएगा फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन में, कैसे इसको डीवाई से मानते हैं कि लेट 2x को अपन टी मानेंगे, पुट करेंगे डेरिवेटिव करके, उस तरीके से होगा है ना। तो 2 कुल मिलाकर अपने को ध्यान रखना है कि 2 इसके मल्टीपल में जो भी है उसको क्या कर दो, इसके डिवाइड में कर दो, जो भी नंबर हो, फंक्शन नहीं होना चाहिए बस, या एक्स स्क्वेयर होगा तो उसका अलग तरीके से होगा, फिर तो टी मान के ही करना पड़ेगा है ना। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसको कर देते हैं सोल्व नेक्स्ट स्टेप। तो ये हो गया 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, ये हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल है, फॉर्मूले में से याद करने को डायरेक्ट ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे वो करा साइन स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर अपना आप करो एक
कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का है ना डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस। तो सॉल्यूशन 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2 डी एक्स है ना। तो ये हो गया, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों पार्ट क्या होता है, 1 बाई 2 डी एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉस 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया 1 बाई 2 एक्स का, ये एक्स कैसे आ रहा है यहाँ, कोई एक्स मतलब क्या है यहाँ, 1 है इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 0 मान लो है ना। ये देखो एक्स कुछ नहीं है, 1 है, 1 इसी एक्स की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, प्लस हाफ कॉस 2 एक्स, क्या क्या हो जाएगा, साइन 2 एक्स अपॉन 2 में आ जाएगा, जो फंक्शन के साथ है। इंटीग्रेशन में क्या आता है, आगे मल्टीपल में आता है, और डिफरेंशियल में क्या आता है, मल्टीपल में, और इंटीग्रेशन में क्या आता है, आ जाएगा डिवाइड में है ना। तो ये हो गया 1 बाई 2 एक्स प्लस, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 साइन 2 एक्स, और इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दे रखी है ना। तो ये ऐसे सोल्व कर लें आसानी से है ना, बाकी ज़्यादा आपने डीप जाना नहीं है फिजिक्स में। तो देखो ई की पावर एक्स है, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होते हैं उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम ही होता है। ई की पावर एक्स का हमेशा ई की पावर एक्स ही होगा, की पावर अगर एक्स स्क्वेयर भी होगा ना, तो पहले तो ई की पावर एक्स का ही होगा, उसके बाद 2x का होगा है ना। तो ई की पावर का एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है, और डिफरेंशियल भी क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ये देखो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ई की पावर का एक्स ही हो गया है ना। इसके लिए जैसे कोई एग्जांपल देख ले अपन, एक जैसे एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स ले रहते हैं, ये 2 फंक्शन हो गए। तो 2 फंक्शन वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, अपने को आई लेट का रूल लगाना पड़ता है, आई लेट है ना। आई लेट का मतलब, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब एलजेब्रा, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। मतलब ये क्रम होता है, इसमें से जैसे इनवर्स 2 फंक्शन दे रहेगा, इनवर्स और लॉगरिथम। तो अपन इनवर्स वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट, और लॉगरिथम वाले को सेकेंड, और एक्सपोनेंशियल वाले को लास्ट में है ना, इसको हमेशा सेकंड नहीं मानना। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगाएंगे, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अगर इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दे रखा हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का क्या होगा डिफरेंशियल, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और टोटल का वापिस इंटीग्रेशन हो रहा है ना। ठीक है, इसको सोल्व करना है, चलो इसमें करते हैं एग्जांपल के साथ ही। इक्वल टू क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, मतलब एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ क्या करना है, फर्स्ट का अंदर देखो क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और टोटल का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स में चाहे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही, और प्लस सी आ जाएगा। यहाँ से क्या कर लो आप, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, एक्स -1 प्लस सी। ये थे फर्स्ट और सेकंड वाला स्टेप भी हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ कुछ फॉर्मूला और दे रखे, ऐसे ही क्या करना है, सेम सेक स्क्वायर एक्स का,
क्या होता है, टेन एक्स होता है, जबकि डिफरेंशियल क्या होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, मतलब ये डिफरेंशियल का जस्ट अपोजिट है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, वहाँ क्या होता है, कॉट एक्स का कोसेक एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन होता है, या सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स, है ना। ऐसे ही कोस एक्स कोट एक्स और इक्वल टू क्या होगा इसका, माइनस कोसेक एक्स। ये जो फॉर्मूला है ना, जो फंक्शन वाला मैं दिखा रहा था कि साइन जो थीटा में आ रहा था 2x, वो अपॉन में कैसे आ रहा है, वो ये वाला फॉर्मूला है ना, कि ये वाला फॉर्मूला लगा कि आप अपॉन में वैल्यू रखोगे, कि कोई भी फंक्शन हो उसके अंदर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको डायरेक्ट आप, या मतलब ये फॉर्मूला यूज ना करो, डायरेक्ट उसको अपॉन में कर दो, जैसे डिफरेंशियल में करते हो ना आप, मल्टीप्लाई में कर देते हो वैसे ही, है ना। और अगर आप और ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।